कितनी बड़ी एक मुल्क की बदकिस्मती है कि छोटे से तबके को आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा दें और वो नौकरियां उनको दिलवा दें, बाकी जो आपकी आवाम है वो बेचारी ऊपर ही नहीं आ सकती। एजुकेशन अपार्टहाइड, क्या आप एक तबके के लिए एक तालीम दूसरों के लिए नीचे, और फिर एक दीनी मदरसे चल रहे हैं। कभी किसी ने कोशिश नहीं की इसको सिंथेसाइज करने के लिए कि एक मुल्क है, एक कौम है, उसका कोर सिलेबस तो एक हो। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हमने अब ये बड़ा मुश्किल अटेम्प्ट किया चेंज करने का ये सिस्टम कि हमने एक कोर सिलेबस एक बनाया। गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है कि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन खत्म हो, क्योंकि एजुकेशन ही बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी नेशन का। जब बच्चा नीचे से आता है वो लोग इकट्ठे बैठेंगे, डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी के एलीट होगा, मिडिल क्लास होगा, लोअर मिडिल क्लास होगा, इकट्ठा बैठेंगे, हार्मोनाइजेशन होगी उनके अंदर। जब हार्मोनाइजेशन होगी तो कल्चर भी उनके आपस में कोहेजन होगी। जब कल्चर कोहेजन होगी तो बच्चा सीखेगा, वो लर्न करेगा, आपस में पोलराइजेशन पॉलिटिकल भी खत्म हो जाएगी, कल्चरल भी खत्म हो जाएगी, लिंग्विस्टिक भी खत्म हो जाएगी। हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। क्यों? कुरान में अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। अल्लाह को तो आप कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, वो हमारी बेहतरी के लिए है। हमारे जब बच्चे बिल गेट्स की किताब पढ़ते हैं या स्टीव जॉब्स की किताब पढ़ते हैं, इसलिए कि वो कामयाब इंसान थे, तो उनकी जिंदगी से सीखते हैं, तो इनसे बड़ा तो कामयाब इंसान था ही कभी नहीं। एहसास वज़ाइफ प्रोग्राम का इजरा हो गया है। प्रोग्राम के तहत गरीब घरानों को होनहार तलबा को 24 अरब रुपए के वज़ाइफ दिए जाएंगे। एक 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं स्किल एजुकेशन के लिए। इसमें से 50,000 ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो हाई एंड स्किल है, मसलन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, ये वो चीजें आ रही हैं जो कि आप ये समझ लें कि 6-6 महीने के कोर्सेज के बाद आपको वो नौकरियां मिलेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। यहां पे प्राइमरी स्कूल से उनको एलिमेंट्री दोपहर को बना दिया, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो हमारी बच्चियों के लिए, क्योंकि बच्चियों के लिए एलिमेंट्री स्कूल दूर था, वो 5वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर देती थी क्योंकि एक्सेस का इशू था। अब इस तरह है कि वो सुबह में काम करती हैं और शाम में आके पढ़ती हैं। ऐसे बच्चे थे हमारे पास जो समझते थे कि अब हम कभी नहीं पढ़ सकेंगे, यानी हमने 5 क्लास ही करनी है। हमारे पेरेंट्स के पास तो कोई ऐसे वसाइल नहीं है। पहले मैं प्राइवेट के स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ की तालीम मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे एडमिशन लिया। ये घर के करीब ना होता तो या तो शायद मुझे घर में बैठना पड़ता। मौजूदा स्कूल्स के वसाइल और इंतजामी ढांचे को बरूए कार लाते हुए पहले मरहले में 7,008 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री की सतह पर अपग्रेड किया, जिसके जरिए बच्चों तक मयारी तालीम की फराहमी के साथ साथ 250 अरब रुपए से जायद की बचत मुमकिन हुई। पहले मरहले में अपग्रेड किए जाने वाले 7,008 स्कूलों में करीबन 2 लाख बच्चे जेर तालीम हैं। टेली स्कूल चैनल पहली से 12वीं क्लास तक के बच्चों को तालीमी मुआवनत फराहम करेगा और लॉकडाउन के बाइस बच्चों को घर बैठे तालीम की सहूलत फराहम की जाएगी। चैनल पर ऑनलाइन क्लास ना लेने की सूरत में यूट्यूब चैनल से भी मुआवनत हासिल की जा सकेगी। तालीम घर मोबाइल ऐप के जरिए तदरीसी वीडियोस फराहम कर दी गई है। खास तौर पर हमारे रिमोट इलाके हैं, वहाँ कई दफा अभी तक प्राइमरी एजुकेशन नहीं पहुँची, तो उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। वहाँ टीवी पहुँच गया, मेरे ख्याल में ये है रास्ता आगे बढ़ने का। जब तक कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होता तो हम इसको इस्तेमाल करें।